हेलो माय लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर सुपर फाइन। वेलकम अगेन इन मीट द क्रिएटर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ट्राई कलर क्राफ्ट। तो सबसे पहले देखेंगे उसमें क्या क्या सामान चाहिए। मैंने एक कार्डबोर्ड के 3 रिंग्स कट किए हैं जो कि एक एक इंच के हैं और इनके बीच में भी एक एक इंच का गैप है। तो पहले हम इनको साइड रख देते हैं। सेकेंड थिंग मैंने ली है ये स्ट्राइप्स ऑरेंज कलर की, ये है 1x12 सेंटीमीटर की। ये ट्राई कलर में ली है मैंने ऑरेंज, वाइट एंड ग्रीन। तो ये दो हम साइड रख देते हैं, ऑरेंज हम यूज करेंगे। और भी कुछ सामान जो मुझे चाहिए वो है गम, सिजर्स एंड थोड़ा सा साटन रिबन। मैंने ये ब्लू कलर का लिया है और ये थोड़े से स्टार्स डेकोरेशन के लिए। कुछ थर्माकोल बॉल्स भी हमें चाहिए होंगी। सबसे पहले हम ऑरेंज स्ट्राइप्स की एजेस को एक दूसरे के साथ पेस्ट करेंगे और इसको ड्रॉप शेप में बना लेंगे। ये देखिए, ऐसे ही हम सारी शीट्स को, सारी स्ट्राइप्स को पेस्ट करते जाएंगे। ये देखिए, तो ये सारी ऑरेंज स्ट्राइप्स मैंने पेस्ट कर दी हैं। नाउ वाइट वन, ये भी सारी इसी शेप में हमने पेस्ट कर दी हैं और लास्ट में ग्रीन वाली को भी हम ऐसे ही पेस्ट कर लेंगे ड्रॉप शेप में। तो ये तीनों कलर्स के रेडी हो गए हैं। अब हम इन्हें साइड रख देते हैं। अब लेते हैं सबसे बड़ा वाला रिंग और इस पर हम लगाएंगे गम। काफी अच्छे से गम लगाएंगे ताकि पेस्टिंग वर्क में प्रॉब्लम ना आए और ये अच्छे से पेस्ट भी हो जाए। तो सबसे पहले हम लेते हैं ऑरेंज वाली स्ट्राइप्स की एक लेयर बनाएंगे हम और ये पेस्ट करते जाएंगे एक के बाद एक। आपको थोड़ा सा गैप का ध्यान रखना होगा क्योंकि सर्कल है, आप स्ट्रेट पेस्ट करेंगे तो वो स्ट्रेट पेस्ट नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा गैप इनके बीच में ज़रूरी है। ये पेस्ट करते जाएंगे और इसको पूरा हम इनसे कवर कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा पूरा सर्कल रेडी हो गया है। अब है सेकंड रिंग की टर्न, जिसको हमें फिल करना है वाइट स्ट्राइप से। तो सबसे पहले फेविकोल बहुत अच्छे से लगा देंगे इस पे। और जैसे हमने ऑरेंज वाली पेस्ट की थी सेम ऐसे ही ये वाइट वाली भी हम पूरे रिंग पे पेस्ट कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा वाइट रिंग भी रेडी हो गया है। और अब लास्ट सर्कल की बारी, जो सेंटर में आएगा उसके लिए हम यूज करेंगे ग्रीन वाली स्ट्राइप्स। इसमें बीच में सेंटर में कुछ नहीं है, मीन्स की गैप नहीं है, तो बहुत ध्यान से इसको पेस्ट करेंगे सेंटर का ध्यान रखते हुए। और ये देखिए, ये हमारा ग्रीन सर्कल भी रेडी हो गया है। बीच में स्पेस है तो वहाँ के लिए ये मैंने एक फ्लावर यूज़ किया है, डेकोरेटिव फ्लावर, जो मैं इस पर पेस्ट कर दूँगी। देखिए, और इसके साइड में भी थोड़ा सा स्पेस बच रहा है, तो उसके लिए मैंने आपको बोला था कि थर्माकोल बॉल्स हम यूज़ करेंगे। तो वही थर्माकोल बॉल्स मैं इसके साइड में पेस्ट कर देती हूँ ताकि स्पेस फिल हो जाए। मेरे पास
डिफरेंट कलर की थी तो मैंने वही पेस्ट किए हैं। आप सिंगल कलर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके चारों तरफ जहाँ पर भी स्पेस था वहाँ हमने पेस्ट कर दी है। तो देखिए ये रेडी हो गया है, तो हमारे तीनों रिंग्स रेडी हो चुके हैं। अब हम लेते हैं सबसे पहले सबसे बड़ा वाला ऑरेंज, और इसके लिए हम साटन रिबन को कट करेंगे जो हमें इसके पीछे पेस्ट करना है। तो वो इस रिंग से थोड़ा सा बड़ा होगा, ये सेंटर में आएगा, इसको हम कट कर लेते हैं। ये सबसे बड़ा वाला है, और ऐसे ही दो और कट करने हैं, बट वो इससे थोड़े छोटे रहेंगे, वो दोनों इक्वल साइज़ के रहेंगे। मिडिल वाला सबसे लंबा, और इसके साइड में दो साटन थोड़े छोटे, तो वो हमने कट कर लिए हैं। इसके बाद आएगा वाइट रिंग और सेंटर में ग्रीन रिंग, तो ये इसी सीक्वेंस में हम इनको पेस्ट करेंगे विद साटन रिबन। तो हमें इसको पलटना पड़ेगा, सेंटर का ध्यान रखेंगे। अब पेस्टिंग वर्क, सबसे पहले इसको हैंग करने के लिए हम लगा रहे हैं एक और साटन। यहाँ मैंने रेड कलर का साटन यूज़ किया है। गम को अच्छे से अप्लाई करेंगे और यहाँ पर साटन हैंग करने के लिए लगा रहे हैं। इसके ऊपर से ये वाइट पेपर या कोई भी कलर का पेपर आप इस पर पेस्ट कर दीजिए, थोड़ा मज़बूत हो जाता है ये इससे, क्योंकि हैंगिंग है तो मज़बूती का ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो गिर जाएगा। उसके बाद जो हमने सेंटर वाला सबसे लंबा वाला जो साटन कट किया था वो पेस्ट करेंगे। क्योंकि इसी पर टिके हैं ये, तो बहुत अच्छे से गम को अप्लाई करेंगे, और इसके ऊपर भी मैं पेपर पेस्ट करूंगी ताकि इसकी मज़बूती बनी रहे, क्योंकि साटन थोड़ा सा सिल्की होता है तो वो निकलने का डर रहता है। तो गम लगाकर इसको अच्छे से पेस्ट करेंगे। जहाँ पर भी कार्डबोर्ड है वहाँ पर हम इसको कागज़ के साथ पेस्ट करेंगे, ये देखिए। और ऐसे ही फिर साइड वाले, इनको भी पेपर के साथ ही पेस्ट कीजिएगा। ये तीनों हम पेस्ट कर लेंगे, देखिए रिंग के नीचे से ये तीनों, एक बीच में, सेंटर में थोड़ा बड़ा और साइड वाले छोटे। यहाँ पर मैंने ट्राई कलर स्टार्स यूज़ किए हैं, सिल्वर कलर, ऑरेंज कलर एंड ग्रीन कलर। तो यहाँ पर हम इनके एजेस पे इसको पेस्ट कर देंगे, तो ये हमारा हैंगिंग रेडी है। तो हैव अ लुक, बताइए कैसा लग रहा है। अगर आपको ये वीडियो और मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आप मेरे साथ बने रहें और सुंदर सुंदर क्राफ्ट्स देखते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।